So I have three partners. Their profit sharing issue is 3:2:1. X ने guarantee दी Z को. X is guarantor or guaranteeing partner and Z is guaranteed partner. Profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000 के लिए या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा प्रॉफिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू विल बी कैलकुलेटिंग फॉर 9 months. सो देयर कैपिटल्स आर गिवन इन द इक्वेशन 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh. 6% ये आया 12,000 पूरे साल का. मैंने 9/12 का निकालना है. सो 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 6,000 आया पूरे साल का. मैंने 9 months का निकालना है. 4,500 इसका भी बहुत. समझ लग गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आंखें बंद करके पूरे साल का मत निकालना. जस्ट बी श्योर व्हेन द फर्म हैज बीन स्टार्टेड. यही हाइलाइटिंग पॉइंट है क्वेश्चन का. ठीक है. इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही गेव अस अ हिंट दैट द पार्टनरशिप स्टार्टेड ऑन 1st July. पहली बार उन्होंने बिजनेस जुलाई में स्टार्ट किया. हाउ कैन आई गिव इन फर्स्ट फॉर अ ईयर. ठीक है. आई हैव टू रिड्यूस दैट ईयरली इंटरेस्ट इन 9 months. सो हियर माई कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ. नाउ लेट्स सी how P&L appropriation account is being prepared. और Z का share क्या 36,000 आता है. अगर नहीं आएगा तो हम X से deficiency compensate करवाएंगे और Z को deficiency की compensation मिलेगी. ऊपर आप heading खुद लिखेंगे P&L appropriation account by net profit brought down 1,38,000. 2 interest on capital. This is for X, Y and Z. X का कितना था 9,000. बाकी दोनों का 4,500. हाँ जी ऑरली आई कैन सी ये बना 18,000. 18,138 में से माइनस किया 1,20,000. 1,20,000 का 1/6 20,000 आ रहा भाई. ठीक है जी. सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X, Y एंड Z. Z का आ रहा है 20,000 शेयर. X का निकालिए 120 का 60,000. सो 18,000 की डेफिशिएंसी है. 18 इसमें से माइनस करिए और Z में 18 ऐड करिए. व्हाट अबाउट Y शेयर 2/6. 2/6 मींस 1/3 40,000. ठीक है जी. बाहर वाले कॉलम में X का 42 इसका व्हाट इज द डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी इज ऑफ 6,000 भाई. 16,000 36,000 था. So it will be 44. It is 40 and this is 36. ठीक है. जिसको गारंटी दी है उसके प्रॉफिट में ऐड होगा और जिसको गारंटी मिली है उसके प्रॉफिट में से माइनस होगा. यस वेरी गुड पॉइंट विच आई मिस्ड ऑल्सो. आप इसको पूरे साल का बोला है कि तेरे को शेयर देंगे 36 लेकिन 9 months है बिजनेस. तो सिर्फ 9 months चला है. 9 months का कितना देंगे भाई इसे 27,000. His shares comes to us 20,000. मतलब उसके शेयर को भी रिड्यूस करना है. 7,000 is a deficiency. That's why उसने X का शेयर 53 लिखा. X में से 7,000 माइनस करो. X का आ जाएगा 53,000. ठीक है जी. इसका 7,000 ऐड करो इसका 27,000. This is the way. जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 months का निकाला है तो उसका शेयर पूरे साल का दे रखा है. अगर पर एनम ना लिखा होता फिर मैं 36,000 ही देती थी. आई अस्यूम एट द टाइम कि उतने टाइम पीरियड का ही दे रखा है. लेकिन हियर बाय ही हैज रिटर्न पर एनम. सो दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू गिव हिम शेयर ऑफ 9 months. सो 36,000 को पहले 9 months में रिड्यूस करिए. यही पॉइंट हाईलाइटिंग है क्वेश्चन में. राइट. सो दिस वॉज योर 57. अब मैंने लॉस का केस पहले से ही आपको बताया हुआ है. हम तो पार्टनर को गारंटी देते हैं कि तेरे को प्रॉफिट होगा. इन केस ही इज सफरिंग लॉसेस सो वी विल बी गेटिंग कंपनसेशन फॉर 2 amounts. 1 इज फॉर लॉस से भी पॉजिटिव बनाइए एंड अनदर इज फॉर द गारंटी ऑफ प्रॉफिट. सो वी हैव 58th illustration relating to it. लेट्स सी 58th illustration. रीड इट ऑन योर ओन. Okay.
I have once again three partners, Manika, Thavi, and Komal. All the three ladies. They are running the partnership firm. 6:4:1. Komal ko guarantee di gayi, tera profit 2 lakh ke barabar hoga ya greater hoga. लेकिन फर्म को तो 22 लाख का लॉस हुआ. इस 22 लाख को पहले मैं डिवाइड करूंगी 6/11, 4/11 एंड 1/11. तो कोमल को तो हमने गारंटी दी है, लेकिन कोमल को तो 2 लाख क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. नेगेटिव में मैंने लिख दिया लॉस हो रहा है. अब किसने गारंटी दी है, कुछ नहीं लिखा. इट मीन्स की मानिका एंड भावी बोथ ने कंपनसेट. जब खुद कुछ नहीं लिखा होता तो अदर पार्टनर्स दे गिव द कंपनसेशन. ये 2 लाख इसका लॉस है, बाकियों का देखो 2 पे गया. 8 लाख इसका लॉस है, 2 पे गया. 12 लाख इसका लॉस है. अब इस 2 लाख की कंपनसेशन कैसे करेंगे, कौन सी रेशियो में. 6:2 का मतलब है, सॉरी 6:4 इसका मतलब है 3:2. ठीक है, तो इसकी कंपनसेशन दिखाइए 3/5, 2/5. 40/80 and this is 120. So 120 हम लोग किससे लेंगे, मानिका से, और 80,000 हम लोग किससे लेंगे, भाविका से लेंगे. पहले तो बिकॉज लॉस है तो लॉस के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना ही नहीं चाहिए था, हमें बनाना ही पीएनएल अकाउंट चाहिए था. लेकिन उसने खुद बोला है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, मींस लॉस को डिवाइड करो. तो मैंने लॉस को डिवाइड कर दिया 12, 8 और 2. उसके बाद हमने कंपनसेशन लेनी है किससे, इसको कंपनसेशन कितनी मिलेगी, 2 लाख और है. ठीक है, एक तो लॉस की भरपाई हुई, एक 2 लाख प्रॉफिट है. इट मीन्स की डबल अमाउंट कर दीजिए, 120 और देगा और ये 80,000 और देगा. 2,40,000 कंपनसेशन कौन देगा, मानिका. एंड 1,60,000 कंपनसेशन कौन देगी, भाविका. भावी, राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग, वन इज लॉस, उसकी कंपनसेशन मिलेगी, एंड अदर इज व्हाट, आपने प्रॉफिट की गारंटी दी है. तो 2 लाख + 2 लाख 4 लाख की उसे ओवरऑल कंपनसेशन मिलनी है. तो जर्नल एंट्री करिए, मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज व्हाट ही हैज आस्क्ड. ठीक है, ही हैज आस्क्ड पास्ट जर्नल एंट्री. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ लॉस. तो वो कहता है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो. तो यू कैन मेक, I have in your working note distributed the profit. तो आप लिख दीजिए 2 loss, then by loss transfer, मानिका's capital, भावी's capital and कोमल's capital. Then pass the journal entry. Reverse चलेगा. पहले PNL appropriation बनेगा, फिर journal entry pass हो. Right? Come to 59th and turn the page. We have once again three partners, students. A:B:C, 12:8:5, 12/20, 8/20, 5/20. Who is getting guarantee? Partner C is getting guarantee. Mera profit कभी भी हमने कह दिया, firm ने guarantee दी है, means A और B ने दी है. Profit हमें 3 सालों के दे रखे. Yes. तीनों सालों में उसका profit का share देखते हैं. पहले साल 2 लाख, फिर 3 लाख और अगले साल लॉस. जो लॉस है उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी. लॉस वाले साल में तो उसे 2 तरह की कंपनसेशन मिलेगी, एक उसके लॉस का शेयर, एक 50,000. दोनों को ऐड करके लेट्स बिगिन. 2 लाख का डिवाइड करिए ए बी और सी. पहले सी को ही दीजिए 5/20, 10 हो गया, 50,000 ही है भाई. पहले साल में इसको जितना मिलना चाहिए था उतना ही है, 5/25. ओके, 5/25 है, 40 मिल रहा भाई. ठीक है, दिस इज 5/25. हाउ कम, 12 + 8 = 20 + 5, 5/25. उसका 12/25 दो पे गया, 24. हमसे पूछा क्या वैसे, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. ओके, पहले केस में कंपनसेशन बाद में देखते हैं. पहले केस में 10,000 एफिशिएंसी है, दूसरे में करिए 3 लाख प्रॉफिट हो गया,
3 lakh का 5/25 60,000 कि दूसरे साल में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, हमने इसे गारंटी दी है तेरा 50,000 से नहीं कम होने देंगे, लेकिन आया ही उसका 60,000, सो देयर इज नो नीड फॉर कंपनसेशन। यहाँ पे कंपनसेशन डबल होगी, पहले 2 लाख का आपका 40,000 लॉस आया, इसके भी भरपाई होगी, और जो 50,000 प्रॉफिट बोला है उसकी भी भरपाई होगी। इट मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी 90,000 है, माइंड इट, यहाँ पे डेफिशिएंसी है ही नहीं। तो चलो जी, पहली कंपनसेशन दिलाइए 10,000 डेफिशिएंसी, कौन सी रेशियो में हाइड करिए, 3:2 × 3/5 6,000 ए देगा और 4,000 बी देगा। चेक करो, पहले उसने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, पहले साल की एंट्री करो तीनों सालों की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज 2 लाख, देन 2 लाख को डिवाइड कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, कंपनसेशन की पूछी नहीं, कंपनसेशन की होनी चाहिए थी भाई। बाय द फॉर्म मैं एक एंट्री करवाऊंगी आपको, वन मोर एंट्री वी विल ऐड अप, सिर्फ प्रॉफिट को ना डिवाइड करना, कंपनसेशन की भी एंट्री करवाओ, एस कैपिटल डेबिटेड बीस कैपिटल डेबिटेड टू सीज कैपिटल, सी को मैंने 10,000 जिसमें से ए देगा पहले साल 4-6 और बी देगा 4, अगले साल कोई कंपनसेशन नहीं, अगले साल उसने दोनों ठीक करी है डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन अब 90,000 कंपनसेशन है और 90,000 का 3/5 18 पे गया 54 and 36। तो पहले साल की दो एंट्रीज बुक में से कॉपी करनी है, तीसरी एंट्री आपने ये करनी है, सेकेंड ईयर में कंपनसेशन कोई नहीं थी, जो बुक ने करी है ठीक करी है, तीसरे साल में पहले डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे और फिर आप ये कंपनसेशन की करेंगे, राइट? सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गारंटी, व्हाई टू स्किप द एंट्री फॉर कंपनसेशन, सो हूएवर इज कंपनसेटिंग दे आर गारंटीइंग पार्टनर्स, दे आर टू बी डेबिटेड इन द एंट्री, और जिसको गारंटी मिल रही है ही और शी इज क्रेडिटेड इन द एंट्री। वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट, एंड दैट इज ओनली वन केस वेयर बाय अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म, सो लेट्स पिक दैट क्वेश्चन। इसने सी ए वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है बैक एक्सरसाइज में डाला होगा, और यहाँ पे इसे आर्किटेक्ट, दे आर आर्किटेक्ट जय विजय एंड कर, 2/5, 2/5 and 1/5 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, मंथली सैलरी जय और विजय को मिलेगी 15,000 ईच, 12 से मल्टीप्लाई करके 180 सैलरी हो जाएगी दोनों की, राइट? करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट, करण को गारंटी मिली कि तेरा प्रॉफिट कभी भी 5 लाख से कम नहीं होने देंगे, या तो 5 लाख से ज्यादा आएगा या 5 लाख से के बराबर होगा, और जय ने गारंटी दी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी, जय ने फर्म को गारंटी दी है कि ये फर्म के लिए 2 लाख फी अर्न करेगा। तो दो तरह की गारंटी है क्वेश्चन में, जब करण को गारंटी मिली तो जय और विजय ने दोनों ने दी, मैंने इसके शेयर को हाइड कर लिया 2:2 मतलब 1:1 में, जब इसका 5 लाख से कम प्रॉफिट होगा तो हम करण को की डेफिशिएंसी को जय और विजय इक्वली क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, लेकिन उसने बोल ही दिया जो भी डेफिशिएंसी होगी अब इक्वली नहीं कंपनसेट होगी, दैट डेफिशिएंसी दे विल बी मेकिंग इन द न्यू रेशियो दैट इज 3:2। हमारे पास फर्म का प्रॉफिट 175 है, सो हियर आई गो विद माय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेट्स प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, देखिए जी प्रॉफिट कितना गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच प्रॉफिट इज बीन गिवन, प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में कितना है, 15 लाख, एंड यू नो जय ने गारंटी दी थी कि हम मैं फी अर्न करके दूंगा फर्म को 2 लाख, लेकिन फी कितनी अर्न हुई है, सिर्फ 175, तो 25,000 की डेफिशिएंसी,
I will be taking from Jay. By net profit brought down 15 lakh. By Jay's capital 25,000. 25,000 उसकी कैपिटल में से लेंगे. अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. 15,25,000 के प्रॉफिट को 2 by 5 में डिवाइड करने से पहले दो बंदों को सैलरी दीजिए. 2 सैलरी जय एंड विजय. पहले दो पार्टनर 15,000 × 12 ऑलरेडी कैलकुलेटेड 180 ईच. सो 15×25 में से 360 माइनस करिए. देखिए कितना प्रॉफिट बचता है. 0, 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
सिर्फ 233 आया, इट मींस कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 267, दैट 267 दे आर गोइंग टू बेयर. 267 को हमने एक रेशियो दे रखी थी, जय और विजय विल बेयर 3/5 एंड 2/5. 267 का जब 3/5 और 2/5 करते हैं, सो वन विल बेयर 1,60,200 एंड द सिटिंग पार्टनर विल बेयर दैट इज 1,06,800. अब आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है टू प्रॉफिट, जय 466 माइनस कंपनसेशन गिवन बाय हिम 1,60,200 माइनस करके लिखिए 0,0, दिस इज 8, राइट, दिस इज 5, 15, 9, 3, 2. सो हिज शेयर कम्स टू अस 3 लाख. कैसे था क्वेश्चन में, दो तरह की गारंटी है. जब आप प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से पहले आपने जय से कंपनसेशन लेनी, ठीक है, तो बाय जय कैपिटल यू हैव टू शो इट एज योर इनकम. फॉर्म को इतनी फी कम मिली है तो हम लोग अब जय से लेंगे, क्योंकि जय ने हमें गारंटी दी हुई है कि हमारी फी वो कभी भी 2 लाख से कम नहीं होने देगा. बट एक्चुअल फी ही हैज अर्न्ड फॉर द फर्म दैट कम्स टू अस 1,75,000. सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 25,000 व्हिच वी आर टेकिंग फ्रॉम जय. नाउ सेम क्वेश्चन वी हैव एट द इन आवर बैक एक्सरसाइज, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर ऑफ द सिमिलर कैटेगरी. Yes, 88 question, whereby 3 CAs are there. So it is your homework that you will solve on your own. ठीक है, 88. कल मैं ये वाले question एक तो discuss करके फिर I will start the next chapter, that is valuation of goodwill, right? So any doubt from today's lecture you may ask.